प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आवाम से बात करो तो सिर्फ एक ही मसला आवाम पर नज़र आता है और वो है महंगाई। सियासतदानों की तरफ ज़रा हम यहाँ पर जाएँ तो सियासतदानों को यहाँ पर अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। कहीं इस्तीफ़ों की बात है, कहीं महंगाई की बात है। आज जो है शहर लाहौर में प्याज 200 रुपये फ़ी किलो यहाँ बिक रहा है। अंडे इस शहर में 282 रुपये दर्जन है। मुर्गी इस शहर में गुज़िश्ता 3 महीने से 400 रुपये से जो है यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज के प्रोग्राम में मैं आवाम से कोई सवाल नहीं करूँगी। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा यहाँ पर आवाम को चॉइस दे देंगे, आवाम से जान लेंगे कि आया यहाँ पर आवाम जो है सस्ते से बात करना चाहती है या आया जो है आवाम यहाँ पर महंगाई के ऊपर बात करना चाहती है। आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जो है आवाम के नाम है और हमारी आवाम इस सारे मामले पर क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले आवाम से बात करते हैं। अभी हम लोग जो है यतीम खाना चौक पर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैंने आज का प्रोग्राम शुरू किया और आज के प्रोग्राम का टॉपिक मैंने नहीं डिसाइड किया और मैंने आज सिर्फ ये सोचा कि अभी हमारे मुल्क के सिर्फ दो ही मसले हैं, आया सियासत है और एक तो महंगाई है। मैंने ये कहा कि आज के प्रोग्राम में मैंने सिर्फ लोगों को बताना है, आपसे पूछना है आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है सियासत के बारे में बात करें महंगाई पे बात करें? देखें जी, महंगाई पे ही होनी चाहिए, सियासत तो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, आप देखें तो वो मसला महंगाई इतनी, हर आदमी परेशान है। जो मतलब के कह लें कि मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही मतलब के कह लेने के पिस्की चुका है। कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं मतलब के देखेंगे वो उसकी पहुंच से दूर है। ठीक है, तो वो ये चीज़ें अब हमारे सियासतदान जो कर रहे हैं वो आपको पता ही है, वो तो महंगाई के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो अपनी अपने भाग दौड़ में है कि हम ये कर लें, उसको कर लें, उसको कर लें। यही मसला हमारे आज का प्रोग्राम आपकी आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, आप बता दें। मेरे यहाँ सिर्फ दो टॉपिक्स हैं आज, दो इश्यूज हैं, एक महंगाई एक सियासत है। आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं? महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में बात करेंगे, क्या सोचते हैं महंगाई के बारे में, क्या बात करेंगे? महंगाई बहुत हो गई है, खर्चे पूरे नहीं होते, हर चीज के बिल बहुत आ रहे हैं। मैं सब्जी लेने चलो, सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, कोई चीज लेने चलो। सियासत के ऊपर भी तो बात करें ना, महंगाई और सियासत का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता आपको? नहीं नहीं, सियासत हमें सियासत करना हमें आती नहीं है, हमें भी सियासत के चक्रों में पड़े। बस महंगाई के बारे में कर रहे हैं। महंगाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका बड़ा मसला क्या है? आपका मसला है कि इमरान खान की पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, कि आपका मसला है कि भाई आज प्याज 200 रुपए किलो है? मैं तो सियासत के बारे में बात नहीं करूँगा, ये महंगाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। हम जो भी चीज़ लेने पहुँच से बाहर है, ना कारोबार साथ दे रहा, ना सियासत साथ दे रही है, ना ये महंगाई साथ दे रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए और किसको कहे? सियासत तो एक कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, हर दो एक दूसरे एक कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान को देख लो, वो भी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। शराब वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। ऐसे है, गरीब आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। कितने का पैकेट है ये मरुंडों का? 200 का। 200 रुपए का है। आप बताए ना आपका क्या मसला है, आपका मसला है सियासतदान, आपका मसला महंगाई है, आपका मसला ये है कि आज ये मैं सारे पैकेट बेच के घर जाऊं? मैं सारे बेच के घर जाऊं, महंगाई बहुत है, घर को राशन रोशन लेके जाऊं बच्चों का। हाँ। तो आपका मसला नहीं है नून लीग, आपका मसला नहीं तरीके इंसाफ, काफ लीग? तरीके इंसाफ आएगा तो कुछ अल्लाह चंगा हो जाएगा। क्या चंगा होगा? कोई महंगाई घट जाएगी, घट जाएगी महंगाई? आपको लगता है सही कह रहे हैं भाई? नहीं बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आएगा तो महंगाई बहुत कम होगी। लेकिन आएगा ना, ये पीडीएम में आई है ना, शहबाज शरीफ अकेला तो नहीं आया ना, पीडीएम है, यहाँ पीडीएम के जरिए आया है। क्या आपका मसला महंगाई है, आपका मसला सियासत है? हाँ जी। क्या आपका मसला? महंगाई बहुत है, की करिए, कितने कमाने करे, पूरे नहीं हो रहे, बिल बड़े हाई आ रहे, बिल तो बिल ठोके जा रहे, 10,000 का 15,000 कितों दे, गरीब बंदे हैं, इन्हे बिल इमरान खान वाले नहीं आते थे, शहबाज शरीफ की वजह से बिल आ रहा है। इमरान खान के दौर च होइए भाजी, हुण 3 महीना लो बिल कदे नहीं आया, लो सारी महंगाई इमरान खान के दौर च होइए, उन्होंने किया कि 6 महीने महंगाई कर दी,
ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਮਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੀ ਮਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਾਈ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਆਏ ਅੱਗੇ ਬੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਮਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਆਪਨੇ ਕਿਸ ਟਾਪਿਕ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸਤੀਫੋ ਕੇ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਿਆਸਤ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਪਰ ਵੇਸ ਲਾਈਫ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਟ ਖਾਤਰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੇ ਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਟ ਆਪਸ ਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਸ ਮੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੇ ਆ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਾਵਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਉਤਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ ਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਗਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਟੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਕਾ ਮਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਜਾਏ ਬਸ ਬਸ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠ ਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਜੀਦ ਬਾਈਨ ਆਪੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਜਿਸ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕੱਟ ਮਰਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪੋ ਦੇਖਣਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ मैम ये जो चल रही ना सारी सियासत है इसमें गरीब जो आवाम है ना वो पिस रही है हाँ। गरीब को चक्की में पीस रहे हैं आवाम को पागल बनाया हुआ चाहे इमरान खान आए चाहे शहबाज़ शरीफ आए हाँ। हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है हमें ये जो महंगाई है ना बस ये कम होनी चाहिए बस हमें ये चाहिए और चाहे इमरान खान की पार्टी के लोग इस्तीफा दें ना दें चाहे वजीर आजम नवाज शरीफ हो चाहे वजीर आजम इमरान खान हो ये आपका मसला नहीं है जी ये हमारा मसला नहीं है आपका मसला क्या है हमें एक लीडर चाहिए जो आवाम का सोचे ठीक है आवाम से मोहब्बत करे पाकिस्तान से मोहब्बत करे ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे ये जो इमरान खान है इसने खुद गोली मरवाई अपने आप को ठीक है सारी सियासत है ये इसने इतने वादे किए कहता था घर लेके दूंगा गरीबों को कुछ भी नहीं दिया सारी सियासत है बस आवाम को पागल बनाया हुआ और कुछ नहीं चाचा जी सलाम क्या हाल है आपका ठीक है बिल्कुल खैर है हां माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी बात है चाचा जी आपका मसला क्या है आप यहां रहते लाहौर में हम यहां बात करते हैं यहां पर अभी कोई नून लीग का हो कोई पीटीआई का कोई बंदा आ जाए लड़ लड़ के जो है एक तमाशा लगा देंगे यहां पर लेकिन जब बात आती कहते हैं रोटी सस्ती कर दो यह है आजकल महंगाई का दौर है पहले भी महंगाई आई है पिछली हुकूमतों में आई है और आज भी महंगाई है तो महंगाई का जो तूफान है क्योंकि आईएमएफ के साथ जो सौदा किया उस सौदा की वजह से महंगाई जो तेल की कीमतें बढ़ी और इसी तरह बिजली की कीमतें बढ़ी इसी वजह से वो महंगाई वो बोझ जो है वो गरीब पर पड़ी आपका मसला क्या है महंगाई या सियासतदान या सियासत हाँ महंगाई है इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई सदबाव किया जाए इसके लिए हाँ आगे बढ़ते और मेजोरिटी लोगों का मसला जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है महंगाई है भाई जान सलाम अलैकुम क्या हाल है आपका अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों से यह बात कर रही हूँ मुझे लगा है शायद लोग इंटरेस्टेड हों सियासत के बारे में भी बात करने में लेकिन लोग ये कहते हैं लोग ये कहते हैं भाई हमारा मसला ही नहीं है इमरान खान आए नवाज शरीफ आए शहबाज शरीफ आए कहते हैं हमें क्या कहते हैं खाना सस्ता करो चीज़ें सस्ती करो जी आवाम तो परेशान है महंगाई से आवाम को सियासत से कोई लेना देना नहीं है सियासतदान तो आपस में मिले हुए हैं वो अपनी खेल खेल जो भी है लेकिन आवाम को मसला सिर्फ महंगाई से अगर महंगाई से सही होगी तो सियासत चाहे जो भी आए वो आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी आज 200 रुपए किलो प्याज है 282 रुपए दर्जन अंडे हैं चिकन तकरीबन 380-390 रुपए किलो है बिल्कुल ऐसे टमाटर महंगे हैं ये हर चीज़ महंगी है हमने तो भाईजान यही पकाना है हमने यही खाना है जी बिल्कुल ऐसे ही है जब ये चीज़ों के रेट कम आएंगे तो आवाम खुश होगी तो सियासत से आवाम भी खुश होगी हाँ। तो आवाम का लेना देना सियासत से नहीं आवाम का नहीं। जी बिल्कुल सलामुअलैकुम क्या हाल है कुछ पसंद आ रहा है आपको या बस देख रहे हैं ये बारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा पसंद तो है लेकिन महंगाई इतनी है पैसे नहीं है क्या करें तो कुछ नहीं आया बारे में नहीं कुछ भी नहीं आया इन्होंने इन्होंने तो 1500 बताया आपने भी 1500 रुपए बताए महंगाई है क्या करेगा जाकर को महंगाई कह रहे महंगाई है क्या करें गरीब आवाम मर रही है इनको तो कुछ नहीं जाएगी आपको बताएं। मैंने तो बताया उनको 600 रुपया दे 600 का वारा नहीं है भाई जी 600 तो अपना खरीद 1300 दे रहे 1300 नहीं 1300 में घर आटा आ जाना मेरा
क्या बात कर दी भाई ने, रुकना भाई अब इस बात के ऊपर। भाई ने कहा 1300 रुपए घर में आटा आ जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है। नहीं, ये गुजारा हो रहा है, ठीक है, ये तो वैसे ले रहा था। पहले भी ऐसे गुजारे करते थे कि हर चीज के लिए दिल मार लेते थे, कोई चीज पसंद भी आ जाती थी तो ले लेते थे। नहीं, पहले फिर भी सही था, लेकिन अब ज्यादा ही वो हो गया। बात ही कर रही हूँ आवाम से कि लोगों का मसला क्या है, लोगों का मसला सियासत है, लोगों का मसला महंगाई है। आपको देखे तो मुझे यकीन आ गया आपका मसला महंगाई है। महंगाई है, जो आता है अपनी जेबे भर रहा है, अपने अकाउंट भरता है, हमारा गरीब का कोई नहीं सोचता। कोई मेहरबानी करो, दे दो ना भाई, चलो मुनासिब कर लो, दे दे कुछ मुनासिब कर लो, दे कर देंगे। मैंने बताया तो 700 दे देते हैं, 700 कर दें, चलो 1000 रुपए दे, 1000 नहीं 700। फाइनल कितने लगा आखिरी? चलो लो 700 रुपए हो गए, काट दो ये वाला सीन। आप ठीक है 700 में, चीज अच्छी है वैसे ना, ओरिजिनल लेदर है, लेदर नहीं है, रैगजीन आई है, रैगजीन आई है, लेदर है, हां लेदर रैगजीन आई है, रैगजीन आई है। तो इमरान खान के हैं, जैसे वो झूठ बोलते हैं ये भी झूठ बोल देगा यार, ठीक है तो मार, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अब आप खुश है 700 में चीज लेके जा रहे, ठीक है, मेहरबानी आपकी, आपकी वजह से दे दिया, उसने देनी ही नहीं थी वैसे। अच्छा, हमारी वजह से दी सस्ती? हां सस्ती दी आपकी। आप खरीद कितने की थी? खरीद 500-600 का खरीद है ना, 100 रुपए हमारा बच जाए। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वो गरीब आदमी था बेचारा, हम भी गरीब है, देखो हाँ हम भी गरीब आदमी, ये भी 1000-1200 का बिल। आपका क्या मसला है? आपका मसला महंगाई है, महंगाई आपका मसला ये है कि इमरान खान वजीर आजम नहीं है। कोई भी वजीर आजम है, हमारा ये काम है ना, वजीर आजम अपना काम करने है। आपका बस्ता भी महंगाई है ना लाला? महंगाई ने बहुत महंगाई है, लेकिन लाला को बच क्या रहे इतनी महंगाई के दौर में? कुछ बच जाएगा, हम भी चीज महंगा बेचते हैं। सलामकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, महंगाई से परेशान है आप? सब परेशान है, कौन नहीं परेशान। आपका मसला ये तो नहीं कि इमरान खान वजीर आजम नहीं है? नहीं, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आप महंगाई से परेशान है। कैसे हल होगी ये महंगाई? आज ये दुआ करें पाकिस्तान के लिए। मैं तो करती हूँ, आप भी करें, सब करें, पाकिस्तान मिलकर सब करें, दुआ करें। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। सलामकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। अभी एक भाईजान को मैंने 1500 की जैकेट ना 700 में दिलवाई है, वो बेचारा छोड़ के जा रहा था, कह रहा था, उसने लाला ने कहा कि 1300 की है, उसने कहा भाई 1300 को तो मेरे घर का आटा आ जाएगा। तो बस साबित हुआ कि अवाम का मसला जो है यहाँ महंगाई है, सियासत नहीं है, सियासतदान मसला नहीं है हमारा। हाँ जी, महंगाई बहुत बाजी, महंगाई बहुत परेशान। क्या करते हैं आप? फेरी, फेरी का काम करते हैं। हाँ जी। तो क्या, कितने रुपए बच रहे फेरी के काम में? 1000-1200 बस। हाँ जी। तो आपका मसला क्या है? मसला बस से भी एक मतलब गुमराह दा अपनी लड़ाइया लड़ते, गरीब आम का कौन नहीं सोचते, ये जो दे आए अपने केसा नु पाए ने, जे और आम का कौन नहीं सोचा, जे इन्होंने सिर्फ अपने केस माफ हो जाए बस इन्ना ही है। जब आम का सोचते तो महंगाई सस्ती होती है, अब महंगाई बहुत हो गई, इस बार आम बड़ी परेशान है, हर शह महंगी। हाँ जी, तो आपका मसला नहीं है इमरान खान, नवाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, शहबाज शरीफ, आपको इनसे कुछ नहीं लगता ये हमारे हुक्मरान है? जो आए ना अगे निजाम चलते इस दुनिया, जो 6-7 महीने दुनिया लै गए बह गए। अच्छा। हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। हाँ। मैं हैरान हूँ, 282 रुपए दर्जन अंडे हो गए, रब इन्हों को जान छड़ा दे, चंगा है बस। महंगाई जान नहीं छड़नी लोगों की, आपस में लड़ना, आपस में लड़ते रहना। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मैं साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मजदूर तबका भी मौजूद है। ज़ाहिर बात है, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी का जो शिकार है हमारे मुल्क में अभी फ़िलहाल, ये वो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी घर का जो गुजर बसर जो है वो ज़्यादा दिहाड़ी पर होता है। बात करते हैं,
चाचा जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है, दिहाड़ी का सुनाए, क्या दिहाड़ी लगी आज? दिहाड़ियां साड़ियां रोज इस तरह ही शाम तक बह बू के चले जाने घर नू, कारोबार है कोई ना, बस जलील होए पे हैं। तो लोगों के पास चाचा जी पैसा होगा तो लोग बुलाएंगे, साफ बात है ना। चाचा जी मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं आज प्रोग्राम में मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने लोगों को ना एक ऑप्शन दे दिया, चॉइस दे दी, आपकी मर्जी है जी। आप खुद बात करें, आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं या आप सियासत के ऊपर बात करना चाहते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है, आप क्या बात करना चाहते हैं? सियासत साडे वास्ते जदों साडा कारोबार नहीं तो असीं सियासत नूं की करना है? हाँ जी, जे साडा रोटी चूल्हा चलेगा तो असीं ठीक होना है ना, अगर इस तरीके काम रहा तो फिर बर्बादी ले जा रहा है जी, किसी की लगी किसी की ना, बच्चे ने परेशान ने, किरायेदार ने, कोई किसी का माड़ा चंगा अपना खुला है, लेकिन रोटी नहीं ना मिलनी तो उन्होंने बच्चों ने लेकिन कोई सहूलत नहीं जो इतनी महंगाई हो गई। और इससे लोगों की सोच इससे भी बड़ी मुनकसम है, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो नूली को सपोर्ट करता है, रोटी तो कोई किसी को आके नहीं दे रहा, नहीं दे लेकिन रहा। आप बताए ना, हमारा मसला महंगाई तो है, बिल्कुल महंगाई के ऊपर तो सियासतदान बात नहीं करते। ये जितना भी जब भी पीडीएम का जो सारा मामला हुआ, इमरान खान का जो मामला हुआ, किसने ये कहा कि भाई आटा सस्ता करो, किसने ये कहा बिजली सस्ती करो, किसने ये कहा गैस सस्ती करो, किसने ये कहा रोटी सस्ती करो? ये तो हुक्मरान है, ये तो कोई भी बात नहीं करता, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, ये नहीं करते कि इसको कम करें, ये मजदूरों का रिलीव मिल सके, ये कभी भी रिलीव नहीं देंगे, ये अपनी सियासत अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। सियासत किसके लिए होती है? सियासत तो आवाम के लिए, आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? आवाम के लिए तो कोई सियासत नहीं कर रहा, ये अपने लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठे अपने मामला देखें, आवाम के लिए कुछ भी नहीं ये देखते। आज आपको पता है प्याज 200 रुपए किलो है, बिल्कुल टमाटर 150 रुपए किलो है, बिल्कुल ऐसे सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं, हर चीज ही महंगी है मेरे भाई, आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? जब आप शाम में घर जाएंगे आपके पास कितने पैसे जेब में? इस टाइम मेरी जेब में 500 रुपए है। 500 रुपए में क्या करेंगे आप? 500 रुपए में तो अभी कुछ भी नहीं आता घर में, बस हांडी वगैरह बहुत मुश्किल से बनती है 500 रुपए में। बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं जी, लेकिन मुश्किल गुजारा है, बिल्कुल मुश्किल गुजारा। भाई जान सलाम, क्या हाल है क्या आपके? अभी इन्होंने कहा इनकी जेब में अभी 500 रुपए हैं, कहते हैं बस घर जाएंगे मुश्किल से हांडी रोटी करेंगे। आपको पता ना, अब तो तेल घी 550-600 का तो पैकेट घी का हो गया, आपकी जेब में कितने पैसे इस टाइम? मेरी जेब में 600-700 रुपए बस। हाँ जी, वो क्या करेंगे 600-700 का? तो कुछ नहीं बनता, क्या बनता 600-700 में, बच्चे भूखे रहते हैं, बनना क्या इसमें? तो आपका मसला क्या है? आपका मसला महंगाई है, महंगाई आपका मसला हमारी सियासत है, सियासत है जी, सबसे बड़ी सियासत है ये, कुर्सी के चक्कर में है ना, जो कुर्सी के चक्कर में महंगाई करी जा रहे हैं ये, कोई किसी कोई गरीब बंदे का ख्याल नहीं करता है, ये सिर्फ अपने मुफाद की खातिर दोनों जमातें खड़ी हैं, ये गरीब का कोई ख्याल नहीं करता। हाँ जी, लेकिन आपका आपको ये लगता है कि आपको लगता है चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, चाहे शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, नवाज शरीफ हो, चाहे जो भी वजीर आजम हो, वो आपका मसला नहीं, आप कहते हैं हमें तो रोटी सस्ती दो, जो भी आ जाए ये हमारी तरफ से, लेकिन ये कि महंगाई कोई भी कम नहीं करता, इमरान खान आया उसने महंगाई कम नहीं की, ये आया इसके दौर में तो और भी ज्यादा महंगाई हो गई, बल्कि गरीब आदमी क्या करे यहाँ पर, क्या करे भाई जान? आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? आप कैसे हैं? क्या करते हैं आप? इधर आए ना, आप क्या करते हैं काम? मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी लगी आज?
कुछ भी नहीं, फारग हूँ। आज दूसरा दिन है फारग हूँ। काम पैसे जेब में 50 रुपये बस, 3 बच्चे हैं हमारे, महंगाई में क्या करेंगे हम 50 रुपये को? क्या करोगे फिर आप बताओ, बच्चों को आज क्या खिलाओगे? बच्चों को तरपड़ी खिलाऊंगा, वो क्या होता है? बोरी होती है, वो खिलाऊंगा बच्चों को, कहूँगा भूखे सो जाओ बस, और कुछ भी नहीं। वो कैसे खाते हैं जी? वो जो भी आप कह रहे हो कैसे खाते हैं? भिगो के उनके ऊपर दे दूंगा, वो खा लेंगे। बाकी ऐसे होते हैं? हाँ होता है क्या उन्होंने? मुझे मजाक ना करना मेरे भाई। नहीं वो भूखे सो जाएंगे बस, और क्या करेंगे? पैसे नहीं है हमारे पास, काम नहीं लगा, दूसरा दिन है फारिग है, कारोबार है नहीं है, ठंड भी है और मसला काम नहीं करवा रहे। हाँ जी दिन छोटे हैं, लोग काम नहीं करवा रहे हैं, बस यही मसला है। ये महंगाई कम हो जाए और रोजी बढ़ जाए तो अच्छी बात है। आपका आपका मसला क्या है? आपका मसला इमरान का वजीरा था बने, हमारी तरफ से कोई भी बने, इमरान खान की पार्टी इस्तीफे दे या ना दे, कोई भी बने, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ रोजी का वसीला बनाना चाहिए बस, और महंगाई कम होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारी डिमांड है सरकार को। हाँ जी, कहाँ से आए हो? मुल्तान शरीफ से। मुल्तान शरीफ से आए हो जी? और कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे 12 साल होने वाले। 12 साल? हाँ जी। 12 साल में कभी ऐसे हालात देखे? नहीं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। पहली दफ़ा जेब पे 50 रुपये? हाँ जी, जब ये दूसरे थे क्या नवाज शरीफ हो रही थे, उस वक़्त खुशहाल थे माशाल्लाह, अच्छी कमाई करते थे, अच्छा खाते पीते थे। तो जब इमरान खान आया उसने महंगाई भी बढ़ा दी है, बिल बत्तियाँ भी बढ़ा दी। हाँ जी बिल बत्तियाँ भी बढ़ा दी हैं। अब देखो ना 550 रुपये किलो घी है, तो 50 रुपये में मैं क्या लूँगा बच्चों के लिए? कहाँ से खाऊँगा, बच्चों को कहाँ से खिलाऊँगा? आटा भी तो नहीं मिल रहा ना। हाँ जी वो भी 80-85 रुपये किलो है। 50 रुपये में तो आपको भाई जान आता किलो आटा आएगा। हाँ जी, तो चार जी हैं हम, फैमिली का चार जी हैं हम, कहाँ से खाएंगे वो 50 रुपये का आटा? मेहरबानी करो आप, रिक्वेस्ट करो, हमारी भी रिक्वेस्ट मानी जाए, मजदूर आदमी है और मकान भी किराए पे है। तो ये एक आम पाकिस्तानी के हालात है, ये एक आम मजदूर के हालात है। ज़ाहरी बात है 22 करोड़ की आबादी है, और इस 22 करोड़ की आबादी की जो असल जो शक्ल है और यहाँ भाई की शक्ल पे खड़ी है। भाई जी नाम क्या है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई की शक्ल में यहाँ लोग खड़े हैं जिनकी जेब में इस टाइम 50 रुपये ही है। हम ये नहीं कहते शफीक भाई को, शफीक भाई जेबें खोल के दिखा दे, हमें शफीक भाई की बात पर एतबार है। ठीक है ना, हमें शफीक भाई की बात पर एतबार है कि शफीक भाई ने अगर कह दिया कि इनकी जेब पे 50 रुपये हैं तो शफीक भाई की जेब पे से 50 रुपये ही होंगे, कोई झूठ क्यों बोलेगा? मुझे ब्रेक लेनी है, आप पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ। आगे बढ़ते आगे बढ़ के मजीद प्रोग्राम को बढ़ाते आगे। सलाम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ठीक हूं। पीछे सामने ना मुझे कभी मजदूर मिला। अच्छा। तो मैंने कहा आज क्या दिहाड़ी लगी है? कहते 2 दिन हो गए काम नहीं मिला, जेब में मेरे से 50 रुपये हैं। कहते घी का पैकेट ही 600 रुपये का है, आटा 85 रुपये किलो। कह रहे आप बताएं मैं 50 रुपये में क्या करूँ। मैंने से पूछा बेगा, मैंने कहा आज के प्रोग्राम में ना मैंने लोगों को चॉइस दी है, आज के प्रोग्राम में मेरी तरफ से लोग सियासत पर बात करें, मेरी तरफ से लोग जो हैं महंगाई पे बात करें। आपकी मर्जी है, आप बता दें अगर आपको इमरान खान या नवाज शरीफ पसंद है उसके आप कसीदे पढ़ लें, या अगर आप महंगाई आपका मसला है तो आप महंगाई की शान में तक कसीदे पढ़ें। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, इमरान खान है तो हमने अपना दिहाड़ी लगानी है तो खानी है। हाँ। नवाज शरीफ साहब हैं तो करना है तो खाना है। हाँ। मजदूर बंदे हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। अभी भी ये मेरा बेटा काम कर रहा है, इसके पीछे के लिए आई हूँ कि बेटा मुझे खाने के लिए पैसे दो, हमने खाना बनाना है। कौन सा वाला बेटा आपका? ये वाला मेरा बेटा है। ये बेटा आपका? जी ये तारिक साहब के पास लगा हुआ है 500 दिहाड़ी पे। ठीक है, ये कभी 400 लेके आता है कभी 500 लेके आता है। इनकी टांग टूटी हुई है मेरे मियाँ। ठीक है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। लोहा इतना महंगा है कि ये काम पे कुछ रख ही नहीं रहा इनको। तो महंगाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, जान ही देने के लिए तैयार है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, कोई भी हो, किसी से कोई लिंक नहीं है। हमने करना है तो खाना है। लेकिन इनका कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल खराब करने के तुले हुए हैं। मुसलमानों का इंसान का ये हक नहीं है जो कर रहे हैं हमारे। लेकिन आपको आप आज आपके घर में क्या बनेगा खाने में? कोई पता नहीं, ये पैसे देगा तो बनेगा, ये पैसे देगा तो बनेगा, नहीं तो ऐसे लेट जाएंगे।
ये हक सच की बात है, हक की अजान हो रही है, झूठ बोलना मेरा फायदा नहीं है, ये बात है। नहीं, ये 500 रुपया मुझे देगा, 500 में क्या बनेगा मुझे बता दे। आप बताने बाजी, घी भी नहीं आ रहा ना 120 रुपए का किलो आटा आता है, किलो आटे की 9 रोटियां बनती हैं। माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा हमारा कुछ भी नहीं बनता किलो आटे से। कितनी रोटियां बनती है अंदाजन? मेरे 7 बच्चे हैं, माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 मियां बीवी हम हैं, हम 7 जी हैं। 7 जी किलो आटे में कैसे गुजारा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं होता। कम से कम 2 किलो आटा तो बनता है एक टाइम, एक टाइम का, लेकिन 3 टाइम है। हाँ, जो भी कर गए हैं, लेकिन रोटी के लिए इनको चाहिए कि महंगाई बिल्कुल कम कर दें। महंगाई कम कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मजीद गुफ्तगू करते हैं। खातून की आपने जरा यहाँ बात सुनी, हर तरफ मैं तकरीबन साढ़े तीन चार साल हो गए मुझे लाहौर आए हुए कि इस तरह के प्रोग्राम करते हुए, हर तरफ यही मसला है, चाहे अमीर लोग हों, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे जो भी लोग हो, मसला सबका यही भाई रोटी। जैसे जैसे करके लोग पूरा तो कर लेते हैं, नौजवान ना मैं मौजूद है, बात कर रहे भाई जी ना, कैसे हो आप? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का। बेटा आपसे मैं पूछूं अभी, आपका मसला क्या है? आया आपका मसला सियासतदान है कि पाकिस्तान में होने वाली सियासत है, या आपका मसला भी रोटी है, या आपका मसला भी महंगाई है? आपके घर में क्या बातें डिस्कस होती हैं? बातें तो कोई डिस्कस नहीं होती। हाँ, बहरहाल मैं काम करता हूँ, काम से घर, ठीक है, काम से घर जाता हूँ। दिहाड़ी मिलती है आपको? दिहाड़ी तो कोई नहीं मिलती, वैसे अभी काम सीख रहा हूँ मोबाइल का जी, भी काम सीख रहा हूँ, कोशिश तो। हालात से मुतासर होते हो महंगाई की वजह से? नहीं, पेट्रोल थोड़ा महंगा है बस, और कोई बात नहीं है, पेट्रोल पे गुजारा नहीं होता जी। चल ठीक है, आगे बढ़ते भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, आपसे अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ, आपका मसला पाकिस्तान की सियासत है या आपका मसला महंगाई है? चॉइस आपकी है, आप बात करें। महंगाई है जो सबका एक ही मसला है, जो हर बंदे को अफेक्ट कर रही है महंगाई इस टाइम। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी सैलरी जो है वो अभी 10 साल जॉब करके 25,000 हुई है, अभी हुई है। जैसे महंगाई बढ़ रही है, सैलरी किसी की नहीं बढ़ रही, मजदूर तबका पिस्ता जा रहा है। प्राइवेट जॉब है आपकी? प्राइवेट जॉब है। और जो जैसे देखे ना महंगाई किस हिसाब से एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और सैलरी की तरफ किसी का तवज्जो नहीं है कि इंसान की सैलरी भी बढ़ानी है या मजदूर तबके का कुछ ख्याल भी करना है। और महंगाई सबका इशू है, पेट्रोल आलमी मंडी में कम रेट हो रहा है, यहाँ पर कोई कम नहीं हो रहा। आपका मसला मतलब सियासत नहीं है, मतलब मेरे जो बहुत सारे लोगों से बात की, मतलब सब नहीं है भाई, महंगाई सियासत पे भी सियासत देखे ना, महंगाई क्यों हुई है? रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद ही महंगाई हुई है ना, हुकूमत चेंज हुई, पहले भी थी, इस तरह नहीं थी। 150 का पेट्रोल लीटर था, अब 150 में नहीं दे रहे कोई, अब 125 रुपए, 225 रुपए रेट है इस टाइम पेट्रोल का। तब बिजली इतनी महंगी नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग नहीं थी, बिजली अब भी लोड शेडिंग, फिर सर्दियों में भी हो रही है, तब तो हो ही नहीं रही थी। और जो मजदूर तबका था उसके लिए सेहत कार्ड का उन्होंने माजी की हुकूमत ने बनाया, आप उस पर माजी की हुकूमत में थोड़ी सी बात करने दें, एक एजेंडा नहीं होना चाहिए आपका भी कि इस, अब जो नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने महंगाई भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, मुल्क भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये डॉलर भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे ही है, इंशाल्लाह होना भी नहीं इनसे कुछ। सलामकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, क्या हाल है, क्या करते हैं आप? ये दुकान है हमारी मोबाइलों की, मोबाइलों की दुकान है जी। जी आपका मसला क्या है? यही महंगाई का मसला है। आपका मसला सियासत नहीं है? सियासत आ रही, महंगाई आगे है ना, महंगाई की वजह से काम खराब हो रहा है। इमरान खान वजीर आजम नहीं है, आपका मसला नहीं है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, आपका मसला नहीं है ये? नहीं, मेरा मसला नहीं, असल ये महंगाई की वजह से होता है। हाँ, ये सारी महंगाई है, महंगाई कम होगी सारे निजाम सीधे हो जाएंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई की, सारी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, निजाम खराब हो रहा है। कितना लोग कितने कमा रहे हैं आजकल पैसे से? और भाई रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, पहले बहुत निजाम ठीक था, लेकिन ये निजाम अब बहुत खराब हुआ हुआ है महंगाई की वजह से। चाचा जी आप भी यही बात करेंगे? क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? 26,000। बस। और 26,000 में गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है। आपका मसला क्या है? मसला ये महंगाई का ही है। मसला महंगाई का है? हाँ जी, ना आटा मिलता है ना चीनी मिलता, कोई चीज़ नहीं। आपको दिल नहीं करता नवाज शरीफ वापस आ जाए? नहीं, वो तो देर रहे चंगा है। अच्छा, आपको दिल नहीं करता इमरान खान वजीर आजम बने? बन जाए, वो बन जाए, बन जाए। अच्छा चले, बेशक कुछ महंगाई का कम हो जाए, वो कर देंगे कम। हाँ जी, वैसे लोग, बड़े लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ जी,
बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था, महंगाई नहीं थी। लेकिन अब लोग, बहुत से लोग ये भी कहते हैं अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई ज्यादा हो जाएगी। नवाज शरीफ ज्यादा महंगाई कर दी इसने। हाँ जी, लेकिन आपका मसला तो महंगाई है। महंगाई, हाँ जी, सही है, महंगाई। अवामी राय, अनडिस्प्यूटेड अवामी राय आज यही सामने आई कि जनाब लोगों का मसला यहाँ महंगाई है। अवाम ये कहती है, अवाम ये कही है, अवाम ये कहती है भाई हमें क्या, नवाज शरीफ वापस आए कि ना इमरान खान वज़ीर आज़म बने ना बने, तहरीके इंसाफ इस्तीफा दे ना दे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ खड़े हों या ना खड़े, इमरान कहती कहते हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं भाई महंगाई कम करो, आटा सस्ता करो, अंडे सस्ते करो, चिकन सस्ती करो, सब्जियां सस्ती करो, जो आवाम की करने वाली बातें वो करें जनाब। बाकी रहे राम अल्लाह का, महंगाई कब होगी तो शायद लोगों की तवज्जो यहाँ पर सियासत के ऊपर भी हो जाए, लेकिन मेरा लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात आवाम की मजीद बढ़ रही हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।